हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 20 अगस्त को हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड लेना है और कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। गाइस, हम देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। मार्केट कर रहा है कि हम देख रहे हैं कि हायर लेवल्स में जब भी मार्केट जाता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाती है, और जब भी वो कोई लोअर लेवल्स में आता है तो हमें एक बाइंग देखने को मिल जाती है। ये डिफाइन कर रहा है एक रेंज, यानी कि मार्केट अभी एक रेंज में काम कर रही है, और जब तक वो रेंज ऊपर या नीचे की तरफ नहीं तोड़ती है हम इसी रेंज के अंदर वर्क करते रहेंगे और हम हायर साइड के लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गाइस, हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट की वजह से ज़्यादातर अभी हमारी मार्केट डिराइव हो रही है, उसके साइड साइड क्रूड ऑयल और हमारे जो डॉलर है उसके तरीके से हमारी मार्केट डिराइव हो रही है, क्योंकि गाइस जो ग्लोबल टेंशन है वो इन सारी चीज़ों को फैक्टर को इनिशिएट कर रहा है और वो हमारी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। आप लोग ये बात सुन रहे होंगे 2-3 दिन से कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आने के संकेत हैं। हाँ गाइस, एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा है यूएस मार्केट में, हम अपनी इंडिया मार्केट की बात नहीं कर रहे, हमारी इंडिया मार्केट में तो वो इंडिकेटर दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा कि रिसेशन आ सकता है। पर अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वो, हाँ, वो एक इन्वर्स रिलेशन का क्रॉस ओवर हो चुका है, वो यील्ड्स का क्रॉस ओवर हो चुका है वो इंडिकेटर में। तो यानी कि यूएस मार्केट पे रिसेशन आने के संकेत बढ़ रहे हैं, जो 2008 में हमें देखने को मिले थे उसके बाद देखने को नहीं मिले थे, वो अब देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज, वो देख सकते हैं कि हम वो कहाँ तक रिसेशन जाता है, वो टिकता भी है कि नहीं वो इंडिकेटर, उसे हम मंथली वॉच करेंगे, उसके बाद हम एक एनालिसिस या एक टर्म निकाल के रखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से काम कर रहा है। सो गाइज, अभी हम निफ्टी के चार्ट्स पर जाएंगे, क्लियरली व्यूज आपको मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, तो आप तब जाके इनिशिएट ले सकते हैं निफ्टी के अंदर। साइड बाय साइड में आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 5 स्टॉक्स हैं, जो कौन से स्टॉक्स हैं जो 20 अगस्त को, यानी कि कल, आप इंट्राडे पे इसे ले सकते हैं और आपको ये परफॉर्म अच्छा करके दिखा सकते हैं। गाइज, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रह सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड होने का मतलब ये है कि ये 5 स्टॉक्स के साथ साथ आपको 1-2 कॉल्स और प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं उसके अलग तरीके से आपको कॉल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। जाके एक बार फॉलो ज़रूर करिए, ज्वाइन हुई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं 1-2 दिन से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा क्योंकि मैं अभी कहीं बिजी था, मैं अभी ट्रैवल कर रहा था तो मैं नहीं प्रोवाइड करा पाया था, पर गाइज कल से मैं रेगुलरली प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो गाइज बढ़ते हैं पहले स्टॉक्स की तरफ। कैडिलैक है 218 पे ट्रेड कर रहा है, 213 का स्टॉप लॉस मेंटेन लगा के आप बाय कर सकते हैं, 221-228 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 रुपये का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि 230 तक के लेवल्स तक आपको डेफिनेटली दिखा सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आप ऐसा वो अगर आप कॉल भी बाय करेंगे 220 का तो भी मुझे लगता है कि आपको अच्छे खासे रिटर्न दे जाएगा, पर स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको इस पोजीशन से एग्जिट कर लेना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 228 का लेवल इंट्राडे पे आपको कल देखने को मिल सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं पर ये डेफिनेटली अचीव हो जाएगा अगर इसने स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करा तो। आप नीचे देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वो लिंक दिख जाएगा, जाके क्लिक करिए, फॉलो करिए, ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको पास डेटा चाहिए कि मैंने कैसी कैसी कॉल्स प्रोवाइड कराई हैं, क्या क्या चीज़ें करवाई है, तो उस टेलीग्राम पे आपको सारा पास डेटा मेरा मिल जाएगा, जाके उसे देखिए, चार्ट्स पे लगा के ऑब्जर्व करिए, आपको पता चल जाएगा कि 90% ट्रेड्स मेरे परफेक्टली ट्रिगर होते हैं। रिलायंस शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, 1297 पे है गाइस, 1290 1310 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि रिलायंस अभी नहीं तोड़ने की कोशिश करेगा। बाय चांस कि अगर रिलायंस ने 1310 का लेवल तोड़ दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम एक हायर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद रिलायंस 1260 तक के लेवल्स तक भी जा सकता है इस एक्सपायरी के अंदर, यानी कि यहाँ से 30-40 पॉइंट तक की गिरावट भी रिलायंस दिखा सकता है। आप देख रहे हैं कि रिलायंस अगर इतनी गिरावट दिखा सकता है तो शायद मार्केट भी गिर सकती है, पर गाइस मैं अभी इंट्राडे की अगर हम बात करें तो 1292 के नीचे मार्केट जाता है, सॉरी यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है अबव 1292, इससे भूल जाइए, किसी और स्टॉक का था। 1291 का फर्स्ट टारगेट है जो कल इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1285 का सेकंड टारगेट है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको 1308 या 1310 का मेंटेन करके रिलायंस में रखना पड़ेगा। ग्लेनमार्क बाय करने की सलाह दी जाएगी, आप देख रहे हैं कि मैं 5 स्टॉक्स में से 2 मैंने आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स दिए, तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में एक रिकवरी आ सकती है, शायद ये थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा सकते हैं इस वीकली एक्सपायरी के अंदर अंदर। इस वीक एक्सपायरी में मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में आप एक बेट लेकर चल सकते हैं। 370 के ऊपर बाय करिए, 374-379 तक के टारगेट्स हम ग्लेनमार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 360 का मेंटेन
करके रखना पड़ेगा। कजारिया सेरेमिक्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, 501 के ऊपर निकले गाइस तभी बाय करना है, सस्टेन करे तभी बाय करना है, उसके नीचे रहता है तो ट्रेड मत करिएगा, फिर हम एक फॉल भी देख सकते हैं। 501 के ऊपर निकले सस्टेन करे बाय करिए, 505 514 तक का इंट्राडे टारगेट, 514 तक का मुझे लगता है ये कजारिया सेरेमिक्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 493 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बजो पेंट्स शॉर्ट करने की सलाह, 362 के नीचे जाता है तो ही बाय, सेल शॉर्ट करिए इसको, 359.80 357 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। स्टॉप लॉस आपको 366 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइज अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ निफ्टी के, और वहाँ पर मैं आपको क्लियरली व्यू दिखा देता हूँ। बस मैं आपको इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये जो मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ एग्जैक्ट परफेक्ट ये टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते, तो अगर आपको टारगेट के आसपास मिलते हैं तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लिया करिए। आप ये वेट करा करिए कि अगर मैंने आपको 357 का टारगेट दिया है और अगर वो 356.80 चल रहा है तो भी आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। गाइज अगर आपको कुछ 20-25 पैसा अगर आपको आसपास मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे हम बढ़ के देखते हैं कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है निफ्टी का चार्ट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ मैं फेजेस आपको निफ्टी के दिखाना चाहूँगा और आप पता लगा लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया हुआ है, सो ज़्यादातर लोगों को ये लेवल्स पता नहीं चलते, तो मैंने यहाँ पर लेवल शो कर दिए कि 38.2 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 10,780 है, जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 11,080 है, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि क्लोजिंग जो निफ्टी की हुई है वो 11,050 के आसपास हुई है। और 68.8% रिट्रेसमेंट जो कि 11,300 का लेवल है वो भी रेजिस्टेंस के लिए हमारा काम कर रहा है। गाइज आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक चैनल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की जो आपको दो लाइंस दिख रही है, ये एक चैनल बना हुआ है। चैनल पे आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है। जो ये चैनल की डाउन साइड है वो डाउन साइड है 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला, तीसरी बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, चौथी बार देखने को मिला, पाँचवीं बार देखने को मिला, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पर एक रेंज में काम कर रहा था। सो गाइस ये जो चैनल का जो सपोर्ट है आप देख सकते हैं जो लोअर लाइन है ट्रेंड लाइन चैनल की, वहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर निकलने में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हम देख रहे थे कि 2018 के दिसंबर से हम देख रहे थे कि इस लेवल के ऊपर वो नहीं निकल पा रहा था, पर गाइस जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला हमने देखा जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस था 50% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि था 11,080 या 11,100 का लेवल, और उसके अलावा जो इसका प्रीवियस सिंग लो था वो भी था 11,100 लेवल। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 50% रिट्रेसमेंट से 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर काम कर रही है, और अगर हम 50% के हायर साइड में देखें तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 11,170 का, उसके आसपास काम कर रही है। सो यानी कि अभी मार्केट जब तक 11,170 11,180 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में बंद नहीं होती है, हम अपने 61.8% टू रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ नहीं पहुंच सकते, जो कि 11,300 का लेवल है। गाइस जब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पर बना के आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज के ट्रेडिंग सेशन पे इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद हमने देखा हाई लेवल पे दोबारा सेलिंग आ गई। कहाँ पर सेलिंग आई, 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे एग्जैक्ट सेलिंग आई, और वहाँ से हम दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोज देने में कामयाब रहे। एक पैटर्न और बन रहा है निफ्टी के अंदर, अब हम उसकी बात करते हैं। वो पैटर्न क्या बन रहा है और वो पैटर्न बुलिश या बियरिश या क्या सजेस्ट कर रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ऐसे आप हमें ट्रेंड लाइन ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से स्टॉक हमने देखा कि एक्स ए की मूवमेंट दी, वहाँ से हमने देखा एक्स बी की ए बी की मूवमेंट दी। ये देखिए गाइस, ये एक जो पैटर्न बना रहा है इसे कहते हैं हम साइफर पैटर्न। गाइस ये कि साइफर पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ से इसका मतलब है कि ये अगर हम एक स्टॉप लॉस मान के चले तो यहाँ से हम एक हाई लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई लेवल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी जो है वो 11,500 से 11,600 तक जा सकता है। एकदम से नहीं जाएगा, थोड़े हर्डल्स उसमें मिलेंगे। वो हर्डल्स कैसे मिल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहला हर्डल है 11,120 का लेवल, दूसरा हर्डल है 11,300 का लेवल। सो गाइस ऐसे हर्डल्स मिलेंगे, पर जो साइफर पैटर्न है वो सजेस्ट कर रहा है कि हम
एक हाई लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और जो उसका टारगेट है वो 11,500 से 11,600 का टारगेट है। मैं अब एक दूसरे फेज में भी आपको लेकर चलता हूँ। मैंने आर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मार्केट लोअर लेवल्स बना रही थी, लोअर हाईज और लोअर लोज बना रही थी। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, अपने प्रीवियस लो को तोड़ा, ऊपर गई, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, दोबारा नीचे आके अपने प्रीवियस लो को तोड़ गई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से नीचे आ रही थी। पर अब हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स करी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा, नीचे आई, अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाई और फिर ऊपर चले गई। सो यानी कि जो ये पहले प्रीवियस लो सॉरी जो ये पहले बना रही थी कि लोअर लोज लोअर हाईज, अब ये बना रही है हायर हाईज लोअर लोज। सो गाइस अब मार्केट ये सजेस्ट कर रही है कि मार्केट एक रिवर्स ले चुकी है। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है और उसके नीचे नहीं जाती है, तब तक हम अपनी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं कर सकते और तब तक हम एक बाय पोजीशन में रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है वो ट्रेंड लाइन किस तरीके से सजेस्ट करी है। यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला, दूसरा सपोर्ट था, तीसरा सपोर्ट था। सो यहाँ पर भी आवाज़ हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करी। मार्केट ऊपर गई, 50% रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया, मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर गई। हाई कितना मारा है मार्केट ने, 11,160 का लेवल। आप देख सकते थे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस फेज में बताया था कि 200% 200 दिन का मूविंग एवरेज है 11,160 के आसपास, और वहीं से एग्जैक्ट मार्केट रिवर्स करी और 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे जाके उसने क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि 50% के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर रहा, वहाँ पर उसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अब मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट जा सकती है 10,970 तक। यानी कि मुझे मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से एक 70 से 80 पॉइंट की फॉल और ले सकती है, वहाँ पर सपोर्ट देखेगी और वहाँ से एक दोबारा बाउंस देख सकती है। सो इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। जब तक आप देख सकते हैं कि ये हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, तब तक तो हम इस मार्केट में बुलिश रहेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर लाइन को या पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन को वो ब्रेक करके नीचे नहीं जाती, तब तक हम इसमें अपना एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हम दूसरे फेज़ की तरफ बढ़े तो दूसरे फेज़ में अगर हम क्लोजली इसको वॉच करें तो ये दिखा रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, एक बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। पर्टिकुलर पहला इसने अपना शोल्डर बनाया, दूसरा हेड बनाया, फिर अपना सेकेंड शोल्डर बनाया और वहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद हमने देखा एक दोबारा ये नीचे आने की सपोर्ट ले रहा है। सो अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो इसका टारगेट जो होगा वो होगा प्रीवियस सपोर्ट जो कि 10,970 का लेवल है, और मुझे लगता है कि ये जो बियरिश हेड एंड शोल्डर है मुझे लगता है कि वो वहाँ तक का लेवल्स दिखा सकता है। अब आप देख सकते हैं गाइज मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट जा सकती है अपने इस सपोर्ट लाइन को छूने में। सपोर्ट लाइन कहाँ पर है, 10,960 का लेवल है, और अगर हम इस दोबारा फेज में जाएं तो ये भी यही कह रहा है कि अगर ये 10,960 का लेवल तोड़ती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, 10,780 के लेवल पे। सो गाइस ये जो मैंने आपको तीनों फेज बताया इसका मतलब ये है कि आपको 10,750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और यहाँ पर आप एक बाय की साइड जा सकते हैं। और अगर ये 10,950 का लेवल ब्रेक करती है तो हम अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ जा सकते हैं जो कि 10,780 का लेवल है, जो कि ये रेड लाइन का सपोर्ट लेकर काम कर रही है। सो बहुत क्लियरली ट्रेड करिए मार्केट पे। आप देख रहे हैं हायर लेवल साइड में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 50% का रिट्रेसमेंट लेवल उसके लिए एक हर्डल बन रहा है, उसके ऊपर 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके लिए एक हर्डल बन रहा है। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते, यानी कि मैं आपको एक क्लियरली व्यू से बता देता हूँ, जब तक 11,180 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता मार्केट 11,300 11,500 की तरफ नहीं बढ़ेगा, और जब तक वो 11,950 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक वो 11,780 के नीचे नहीं जाएगा या उसको टेस्ट नहीं करेगा। तो जब तक वो उस रेंज के अंदर है, रेंज कौन सी बन गई है 11,950 से लेकर 11,180 की, जब तक इस रेंज के आसपास आपको मिलता है आप ट्रेड कर सकते हैं बाय सेल में और आप निफ्टी के अंदर प्रॉफिट अर्न करके चल सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम स्टॉक्स की बात करें वो मैं आपको पर्टिकुलरली टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं आपको उनके चार्ट्स इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है आप वीडियो बनाने में, और बहुत से कमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाइए, आप सिर्फ टारगेट या स्टॉप लॉस प्रोवाइड करा दिया करें। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक investing.com वेबसाइट है वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इन्वेस्टिंग वेबसाइट पर अगर मैं आपको लेकर चलूँगा और आप अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट पर जाएंगे
इंडिया के स्टॉक मार्केट के वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर ये आप चार एनालिस्ट का देख सकते हैं कि जो चार आर्टिकल्स आपको शो कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर चार आर्टिकल पे मेरा आर्टिकल भी शो करता है, जिसपे मैं आपको क्लियरली निफ्टी का एनालिसिस समझाता हूँ, पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं कल इंट्राडे पे, साइड बाय साइड ग्लोबल मार्केट पे क्या टेंशन चल रही है, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो क्या है, और साइड बाय साइड कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म दिखा सकते हैं। गाइस यहीं पर ही मेरा आर्टिकल शो होता है, यहीं पर ही मेरा आर्टिकल पब्लिश होता है, जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने मारुति की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस और पर्टिकुलर सारी यहाँ पर अपनी मैंने एनालिसिस शो करी है। अगर आपके पास टाइम मिले तो यहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर ये आर्टिकल आप हर जगह शेयर करिए, जिससे आपको नॉलेज मिले, आपके दोस्तों को नॉलेज मिले कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लेना। चूँकि शायद इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे को सपोर्ट दीजिए कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाते रहूँ।